वेलकम आज क्लास समस्त वेलकम सिटी एंट्रेंस कोचिंग खरी साहब को अजय सर स्वागत जनावि आज क्लास रे में पढ़ा सामवेद और पूर्ववर्ती क्लास रे हमें ऋग्वेदिक पीरियड पढ़ी सारी जोड़ा मुझे पूर्ववर्ती क्लास पढ़ी टी रिभाइज करदे आम पढ़ी पूर्ववर्ती क्लास रे कौन ना पढ़ी आम पंदरश बीसी रु छी पर्यटन पढ़ी ओके ये हजार बीस पर्यटन आम देखी पंदरश रु हजार बीस हूँ ऋग्वेदिक पीरियड ऋग्वेदिक पीरियड वैदिक पीरियड हजार रु छह लैटर वैदिक पीरियड ये सब पढ़ी सारी वैदिक युग दि बार विभक्त गोटे पूर्व वैदिक युग आ गए हूँ पर वैदिक युग आम पूर्व क्लास ऋग्वेद से पढ़ी सारीचे आज क्लास पढ़ा सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद आ वैदिक काल लोक मान कि चालचलन था से विषय जानवा नोट करेंगे व्यस्त हो ना स्क्रीन में तुम साइड में सब आसूरी मुझे जहाँ पढ़ेबी साइड में सब आसवरी तेनाली नोट करेंगे जो व्यस्त हो ध्यान देखिए शुणु मुझे गोटे पर गोटे वीडियो आसूची आज पढ़ी सामवेद मुझे सामवेद चैप्टर रखी देखिए सामवेद सामवेद आज पढ़ु आम देख सामवेद हूँ कौन ना जो ऋग्वेद पढ़ी थी ऋग्वेद बा ऋग्वेद जो पढ़ते ऋग्वेद कौन केमी ना गद्य आकार गद्य आकार ऋग्वेद कौन है ना आम गद्यटा कौन कले पद्य आकार ट्रांसफर कले कौन ना सामवेद पद्य आकार ट्रांसफर कौन कले सामवेद सामवेद कौन अच्छी ना पद्य आकार अच्छी मंत्र सब से गद्य आकार मंत्र ए पद्य आकार सब मंत्र आम रही बुझिपारे देख ये मंत्र के सामवेद अर्थ कौन ना ऋग्वेद जहाँ थी ट्यून दिगला कौ भेजे ना सामवेद ऋग्वेद जहाँ थी ट्यून दिगला सामवेद जो मंत्र हो टोटाल मंत्र अच्छे सामवेद टोटाल मंत्र समुदाय मंत्र सामवेद अच्छी कौन मंत्र अच्छी ना टोटाल अठरश दस अच्छी अठरश दस मंत्र अच्छी अठरश दस मंत्र रु पंदरश अणचाश ठीक कहते हैं पंदरश अणचाश पंदरश अणचाश हूँ मौलिक मंत्र बेसिक मंत्र मैंने यही तक बेसिक जदि पचर बेसिक मंत्र के पंदरश अणचाश आ पंचस्तरी हूँ आम सामवेद मंत्र देख टोटाल सामवेद मात्र पंचस्तरीटा मंत्र ओरिजिनल मान पूरा असली मंत्र सामवेद पंचस्तरीटा मंत्र हूँ पूरा असली मंत्र सामवेद पंचस्तरीटा मंत्र हूँ पूरा असली मंत्र और पंदरश अणचाश जो मंत्र अच्छी युवा ऋग्वेद रु आसी सरी युवा ऋग्वेद रु आ ठीक कथा कहूँ पंचस्तरीटा मंत्र हूँ आमर असली मंत्र जहाँकि सामवेद रचना कराई पंदरश अणचाश की मंत्र जहाँ कि ऋग्वेद रु आसी तेणु यहाँ कह जाए सामवेद कह जाए ऋग्वेद रु आसी तेणु कह जाए क्यों वेद टी सामवेद टी क्यों वेद जो आसी कह जाए तो आम ऋग्वेद कहीपर ऋग्वेद कहीपर ऋग्वेद 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 भी आम कहीपर सामवेद टी आम ऋग्वेद रु आसी कहीपर टोटाल मंत्र संख्या अठरश दस पंचस्तरीटा हूँ पूरा ओरिजिनल पंदरश दस पंदरश अणचाश हूँ मौलिक मंत्र ये निहाती मंत्र मौलिक मंत्र अच्छे क्लीयर ये समस्त क्लीयर समस्त क्लीयर ये क्लीयर तो जमी आम कही ऋग्वेद कि गान करते गान करते होत्र नामक ब्राह्मण होत्र नामक ऋषि गोटे गान करते ऋग्वेद को होत्र नामक होत्री नामक ऋषि गोटे गान करते कि ठीक सेमती आमर सामवेद गान करते किए उद्गरी उद्गरी सामवेद गान करते किए उद्गरी सब स्क्रीन आसूच सब देखिपारे सब स्क्रीन ये अच्छे उद्गरी आमर कौन गान करी जमी तुम कही ऋग्वेद को बुझाप गोटे ग्रंथ था ग्रंथ था मन अच्छी ऐतर ऐतरीय मन अच्छी ऐतरीय मन पड़ तो गोटे ग्रंथ ना पढ़ी ठीक से आ गए ग्रंथ था किए कहीपर ग्रंथ ना ऋग्वेद को बुझापी दुईट ग्रंथ कह से ग्रंथ ना कौन ये आउ किए कह किए कहपर कौशिकी कौशिकी ठीक अच्छी कौशिक
ये दिया ग्रंथ दिया ग्रंथ र ए ग्रंथ जे रूप वेद र एमबीडी बोली ता कहिथिलि पूर्व क्लास रे रूप वेद र एमबीडी कहिथिलि ठीक सेमिति अमर जो जी साम वेद अछि साम वेद रे जुटी ग्रंथ अछि को तांडय ओडे साम वेद दिया ग्रंथ अछि को तांडय 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 ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण माने तुम कहउ जो जे ब्राह्मण ना नहि पुस्तक र ना आ गोडे जमिनी जैमनी ये जमिनी ब्राह्मण ग्रंथ लुक साम वेद को बुझिया पई तांडव ब्राह्मण ग्रंथ जैमनी ब्राह्मण को दीटा हमर ग्रंथ हमर रहितला याकु मध्य महाब्राह्मण कहा जाए महाब्राह्मण ये हो सोड़ प्राचीन ग्रंथ क्लियर क्लियर समस्ते क्लियर ठीक से मिटी होत्र नामक ब्राह्मण रूप वेद दान करथला बेले हमर साम वेद दान करथले किए उद्गार उत्तरी नामक ब्राह्मण रूप वेद दान करथला बेले साम वेद दान करथले किए उद्गारी तत्सहित जते बेले ग्रंथ ना दिला ऐतरीय कौशिकी थिला रूप वेद को बुझिया पई ई गोटे ग्रंथ दिला ठीक से मिटी साम वेद बुझिया पई तांडव ब्राह्मण ग्रंथ आ जैमनी ब्राह्मण ग्रंथ थिला तांडव ब्राह्मण ग्रंथ रे महाब्राह्मण आ सब प्राचीन ग्रंथ समस्त क्लियर क्लियर समस्ते हाँ आगे संगीत जनक सामवेद को संगीत जनक बोली कह भारतीय संगीत आज चली सब सामवेद आसी ठीक अच्छे किसी कथा ठीक अच्छे नेक्स्ट आम जा यजुर्वेद यजुर्वेद बर्तमान पढ़ा अक्षर टे खराब अच्छी तेणु से आप मैनेज करूँ अक्षर टे भल नंबर ठीक अच्छे यजुर्वेद में कौ विषय कहना बलिदान कर्मकांड ए विषय कह बलिदान विषय कहुई कर्मकांड विषय कहुई यजुर्वेद ए विषय कहुई यजुर्वेद दु प्रकार भी यजुर्वेद दु प्रकार गोटे कृष्ण यजुर्वेद आ गए शुक्ल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद यदि प्रश्न आसे यजुर्वेद के पार्ट अच्छी तुम्हें कह पार कृष्ण यजुर्वेद गोटे पार्ट आ शुक्ल यजुर्वेद आ गोटे पार्ट हाँ गान कर किए से ना गान करते कि आमको अधर बायु अधर बायु अधर बायु अधर बज्जु अधर बज्जु आपको गान करते अधर बज्जु आपको गान करते क्लियर से मत बहुत हाँ यजुर्वेद कौन अच्छी कहते ना ठीक अच्छे एथेरे दी प्रकार अच्छी आम रूप वेद केवल गद्य था साम वेद गीत संगीत था यजुर्वेद उभय कहानी उभय गद्य आउ पद्य क्यों वेद उभय गद्य पद्य संकलन कर तुम्हें कह गा यजुर्वेद उभय गद्य आउ पद्य संकलन कर क्लीयर समस्ते क्लीयर पे क्लीयर तो ओके यापर आम पढ़ा अथर्वेद अथर्वेद समस्त जानी अथर्वेद विदेश में अथर्वेद ये अथर्वेद जान कलावेद जनाशुना जादुगरी वेद जनाशुना कलावेद जे जो जादू कला जादू करेद सब आूत प्रेत यही वेद सब आम विषय लिखा जाए बुझे यजुर्वेद अथर्वेद हूँ जादुगरी कलावेद कलावेद भाव में जनाशुना तहत ब्रह्मवेद कहुए गान करते किए से गोपथ गान करते किए गोपथ गोपथ भाई गाड़ी हो गोपथ ऋषि गान कर ठीक अच्छे देख मुझे रखुची रूप वेद गान करते होत्री साम वेद गान करते उद्गरी एवं आम सामवेद यजुर्वेद गान करते किए से अधरवायु एवं अथर गान करते किए गोपथ क्लीयर समझे तापर पढ़ा ब्राह्मण्स ब्राह्मणस ब्राह्मणस कौन किए कह ब्राह्मणस कौन ना लोकर ना लोकर ना 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 ब्राह्मण लोकर ना वेट
ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ ये दी प्रकार गोटे तांडय गोटे शपथ शतपथ शतपथ देखिए इंग्लीश शतपथ शतपथ तांडय और शतपथ ये सब ओल्डेस्ट सब प्राचीन ग्रंथ प्राचीन तांडय प्राचीन शतपथ हूँ सबुठ अधिक रचना कर सबुठ अधिक लिखाई थी सबुठ अधिक राइटिंग लिखाई थी ये ग्रंथटा अधिक लिखाई थी सबुठ अधिक हूँ शतपथ और ब्राह्मण ग्रंथ हूँ तांडय सबुठ पुरातन ग्रंथ हूँ तांडय एवं शतपथ हूँ सबुठ अधिक लिखाई थी ग्रंथ तेरे अरण्यकश कौन अरण्यकश ये भी गोटे ग्रंथ अरण्यकश कहीं जंगल एकांत जंगल एकांत अरण्यकश को लिखा जाता ना हूँ जो अरण्यकश उपनिषद जीवा उपनिषद देख उपनिषद जो पढ़ा उपनिषद उपनिषद उप अर्थ निकट निषद अर्थ गुरु चरण से उप अर्थ निकट निषद अर्थ गुरु 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 निकट रही जो ज्ञान आहरण कर उपनिषद बोली कहा जाए ये उपनिषद जो कहे उपनिषद अर्थ वेदांत कहा जाए वेदांत बुझले उपनिषद मत कौन कह जाए वेदांत मध्य कहे या कहते ज्ञान मार्ग कहते ज्ञान मार्ग कहुए उपनिषद को क्लियर समस्ते क्लियर समस्ते आउ गोटे कथ कह रखुच तुमको आम जातीय पत्र जो अच्छी सत्यमेव जयत सत्यमेव जयत ये मुंडक उपनिषद आसी मुंडक उपनिषद रु आसी रेलवे क्वेश्चन सत्यमेव जयत क्यों उपनिषद रु आसी तुम कहटा मुंडक उपनिषद रु सत्यमेव जयत आसी हाँ डाउट के क्लियर सरी गोटे कल आसला ठीक अच्छे नेक्स्ट स्लाइड को जीवा आमे बर्तमान बढ़िया वेदांग विषय वेदांग 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 हूँ आज उपवेद कहते कहते उपवेद मत कहीपरें देख वेदांग बहुत किसी क्वेश्चन आसेनि कौटू कौन आसी पचारि दिए कौन आस गेद गंधर्व वेद गंधर्व भर कौन आस नृत्य संगीत नृत्य संगीत गंधर्व वेद रहा आम पाइचे तापर जे हमर आयुर्वेद 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 एथरो में आनी जे मेडिसिन औषधीय विषय रे आनी जे औषधीय विषय रे आयुर्वेद आयुर्वेद रे लिखा होची औषधीय विषय रे आयुर्वेद रे लिखा जाय छी तापर हम शिल्पवेद शिल्पवेद रे बही पढिबा हम कला ओ स्थापत्य से जानि परिबा कला ओ स्थापत्य धनुर्वेद धनुर्वेद जानू धनुर्वेद विषय धनुर्कथा युद्ध युद्ध कला विषय युद्ध कला विषय लिखाई धनुर्वेद यही सब बही पढ़े गंधर्वेद पढ़े नृत्य संगीत जानवे आयुर्वेद पढ़ले औषध विषय जानवे शिल्पवेद पढ़ले कला स्थापत्य जानवे और धनुर्वेद पढ़ले युद्ध कला विषय
तुम्हें जानपर ये परीक्षा पचार दिए बुझल कि यापर मुझे तुमको नदी विषय कहूँ ऋग्वेदिक पीरियड नदी जो थी विषय तुम कह ऋग्वेदिक पीरियड वेट टिके गोटे मिनट वेट वेट नदीर नाम ऋग्वेदिक काल नदीर नाम बर्तमान आधुनिक नाम ठीक सिंधु नदी सिंधु नदी बर्तमान ना हूँ इंडस इंडस नदी वितस्ता वितस्ता आज झेलम ना जनाशुना झेलम नाम आजिका समय झेलम नाम जनाशुना आस्कनी आस्कनी आस्किनी आजिका समय चेनाब चेनाब नाम जनाशुना विपासा विपासा आजिका समय बीस बीस नदी जनाशुना बीस नदी शतद्री 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 आजिका समय सतलेज सतलेज नदी नाम जनाशुना कुमु आजिका समय उड़ान गोमाल आजिका समय गोमती नाम जनाशुना बुझिपारे समस्ते किसी तुम्हें नदी विषय मुझे कहली किसी नदी जो तुम परीक्षा आसे हाँ गोटे परशुणी विशेष समझते ना परशुणी 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 आजिका समय ना हूँ राबी राबी नदी भाव में जना शुणा क्लीयर समस्ते समस्ते बुझीप कथ गुड़ा हाँ क्लीयर करी पार्टी गोटे क्लीयर करी स्लाइड थ्री की जी बर्तन आम स्लाइड नंबर थ्री देख आर्थिक कारबार जो आम जो थिला से समय जो ऋग्वेदिक पीरियड वैदिक युग जो आर्थिक कारबार थिला पूरा आर्थिक कारबार पशुपालन निर्भर कर पशुपालन निर्भर करशुपालन करजर व्यवसाय गुजराण मेट मेटन करुले से रोते कहते जनजाति आकार रोते जनजाति आकार रोते ट्राइब जो कबिला आकार रोते ट्राइब ट्राइब रही जनजाति कहुए जनजाति मुख्य कहते राजन जनजाति मुख्य कौन कहते राजन बोली कहते धर्म कहले पूजा करते क्या इंद्र को इंद्र को इंद्र पूजा करते इंद्र को पूजा करते पुरंदर बोली कह जाए अन्य नाम पुरंदर सी करती इंद्र वर्षा कर घर तर भांगी दिखाई पूजा से समय करुले प्रचल प्रचल प्रचुर बृष्टिपात से समय हुए तो वर्षा कर घर तर भांगी जाती इंद्र को सीते पूजा करुले क्लीयर समस्ते आउ गोटे मुझे कहूँ जिते बड़े देख ये कही मुझे भारत उपरी भाग जम्मू एंड काश्मीर जम्मू एंड काश्मीर मुझे आर्य मैंने सेंट्रल एशिया आसिले मध्य एशिया आसते उठ भारत को आसिले फास्ट ये पंद्रह रु आरंभ कर हजार जाए ये पहुँचे है ये थी हजार जाए ये गोटे छठी पहुंचे यूपी ये गंगा गंगा नदी एवं जमुना नदी दीटा नदी बही जा नदी कूल उपत्य अंचल था दुआब उपत्य दुआब यही अंचल से कृषि कार्य कले तो कृषि कार्य करते लुहार आविष्कार कर लौह युग कहुए लौह युग कहुए कौ समय को ना हजार पर समय को लौह युग कहुए लुहा आविष्कार करते सामा आयस कहते हैं
ଲୁହାର ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲା କଣ କହିଲେ ସାମା ଶ୍ୟାମ ଆୟସ ଏବଂ ତାପରେ ତମ୍ବାର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲୌହ ଆୟସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଲୌହ ଆୟସ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ପିଲେ ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଶ୍ୟାମ ଆୟସ ମାନେ କଣ ତମେ ଲୁହା ଲେଖିଦେବ ବୋଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ସରି ଶ୍ୟାମ ଆୟସ ମାନେ କଣ ଲୁହା ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ ଶ୍ୟାମ ଆୟସ କହିଲେ ଲୌହ ଆୟସ କହିଲେ ଲୁହା ଲେଖି ଦେଉଛ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କାରଣ ତମ୍ବାକୁ ସେମାନେ ଲୌହ ଆୟସ ନାମରେ କହୁଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ଆୟସକୁ ସେ ଲୁହା ଆକାରରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ହଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ ଯାକର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଯୋଉ ଧର୍ମ ମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଧୋ 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 ଠାକୁରକୁ ସେ ପୂଜା କରୁ ଧୋ ମାନେ ଆକାଶ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଗହମ ଏସବୁ ଚାଉଳକୁ ସେମାନେ ବ୍ରିହି କହୁଥିଲେ ବ୍ରିହି ଗହମକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କଣ କହୁଥିଲେ ଗୋଧୂମ ଗୋଧୂମ ଗହମକୁ ସେ ଗୋଧୂମ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ପରେ ସେମାନେ ବାର୍ଲି ମାନେ ଜ ବାର୍ଲିର ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାର୍ଲିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବାର୍ଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ସେ ୟାଭା କହୁଥିଲେ ୟାଭା ବାର୍ଲିକି ସେ ୟାଭା କହୁଥିଲେ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିଛେ ଭଲରେ କି ନା ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ବହୁତ କିଛି ବୈଦିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ବହୁତ ବୈଦିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ତମକୁ ତ ଆଶା କରିବି ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟଟି ବୁଝିବାରେ ସହଜ ହେଇଥିବ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି 1500 BC ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୈଦିକ ଯୁଗ 1000 BC ପ୍ରଥମ ବୈଦିକ ଖତମ ତାପରେ 600 BC ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଖତମ ଏଥିରେ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରଜାପତି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଜାପତି ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ବୈଦିକ କାଳ ଏଇଟା ହଉଛି ପର ବୈଦିକ କାଳ ବୁଝିହେଲା ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଧୋ ଧୋ ପୁରାତନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି କୋଚିଂକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ଧନ୍ୟବାଦ।